हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे अपन 3 इंच सर्कुलर आर्च के बारे में। ए 3 इंच हुज एक्स इज सर्कुलर इज नाउन एज 3 इंच। ये जो 3 इंच आर्च है वो सर्किल के टाइप की आर्च है, इसलिए इसको 3 इंच आर्च कहते हैं। सॉरी, इसको थ्री इंच सर्कुलर आर्च कहते हैं, ठीक है। कंसिडर अ 3 इंच सर्कुलर आर्च ए सी बी, जो आपको नीचे डाइग्राम में दिख रही होगी, इसमें ए सी बी जो 3 हिंज है एट द सपोर्ट ए और बी सपोर्ट के साथ, ठीक है, एज वेल एज दिस क्राउन सी, और सी इसके ऊपर क्राउन है, एंड हैविंग ए सेंटर, इसका सेंटर है, जॉइंट ए और बी को जॉइंट किया एंड ड्रॉन सी ओ डी, फिर सी ओ डी को बनाया, ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम द क्राउन, नाउ कंसिडर पॉइंट एक्स, एक्स पॉइंट इसमें कंसिडर कराया है, द एक्सिस आर्च एट द डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है ना, डी से एक्स डिस्टेंस पर, जहाँ पे एल है जो स्पान है, वाई सी है जो राइज है ऑफ द क्राउन सेक्शन ऑफ स्प्रिंग, वाई है जो राइज ऑफ द पॉइंट है, एक्स की है टू अल्फा जो एंगल है विच द टू सपोर्टेड एंड इज मेक्स द सेंटर ऑफ द आर्च, ठीक है, और थीटा है जो एंगल है विच एक्स मेक्स विद सेंटर लाइन, और आर है जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल आर्च, ठीक है ना। अब देखो आगे, सिंस द आर्च इज ए सर्कुलर वन, देयरफॉर फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, फिगर की ज्योमेट्री के हिसाब से देख ली, देखते रहिए आप पीछे, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू आर है, और ए डी और डी बी है जो एल बाई टू कर दी, और डी सी है वही वाई सी है, ठीक है ना। तो फ्रॉम द गिवन पॉइंट एक्स ड्रॉ एक्स ई परपेंडिकुलर टू बो सी, तो इस फॉर्मूले के अंदर इनका वैल्यू रख दिया है, ठीक है ना। नाउ इन द राइट एंगल ट्रेंगल ओ ई एक्स, ओ ई एक्स ये राइट एंगल ट्रेंगल है, इसके अंदर भी सेम ऐसे ही अप्लाई करेंगे और इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए वाई सी इक्वस टू टू आर माइनस वाई सी इक्वस टू एल बाई टू इंटू एल बाई टू एल स्क्वायर अपॉन फोर, टू आर माइनस वाई सी इक्वस टू एल स्क्वायर अपॉन फोर वाई सी, ये बना दिया इसका, तो इसका फॉर्मूला आ गया अपने पास, आर इक्वस टू एल स्क्वायर अपॉन एट वाई सी प्लस वाई सी अपॉन टू, और इसी के एंगल के साथ ट्राइंगल के साथ वही वैल्यू निकाल लिया है, और गिवन एक्स सेक्शन के लिए भी निकाल लिया, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये सर्कुलर आर्च के ऊपर प्रॉब्लम है वो भी सोल्व है, तो इसको आप देख लीजिए किस तरीके से क्या क्यों सब क्या लिख रखा है। 3 इंच सर्कुलर आर्च है, स्पान 21 मीटर एंड इसकी राइज है 4 मीटर, देख लीजिए क्वेश्चन, आप आराम से लिख लेना इसमें देख के। ये देखिए 21 मीटर है इसकी स्पान, ये है इसकी राइज यहाँ से 4 मीटर, ठीक है, तो इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया आप अच्छे से देखिए। इसमें गिवन डाटा क्या क्या है, सबसे पहले तो वो लिखा है, ठीक है, फिर इसमें टैकिंग मोमेंट निकाला है वी बी इक्वल्स टू 21, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। फिर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाला, देखो अपन ने पीछे पढ़ा था ना, एच इक्वल्स टू म्यू सी अपन वाई सी, तो वो यहाँ पे काम आ रहा है, म्यू सी कैसे निकाला, वी बी इंटू एल बाई टू, ये इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 21/2, लेकिन एक्चुअल में है क्या, म्यू सी इक्वल्स टू वी बी इंटू ये एल है इसका बटा दो एल बाई टू, ठीक है ना, ये म्यू सी है। चलो देखते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, रिएक्शन निकालेंगे इसके दोनों सपोर्टों की, तो वही फॉर्मूला आर ए वाला जो अपन ने पढ़ा था, वैल्यू आप वी ए स्क्वायर प्लस निकाल सकें, एच स्क्वायर भी निकाल चुके हैं, उनको वहाँ यहाँ रख के स्क्वायर तो आपको ही करना है, ठीक है ना। फिर बी पे निकालो सेम ऐसे एज इट इज़। फिर देखो इंक्लाइनेशन निकालना, इंक्लाइनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, टेन थीटा इक्वल्स टू वी अपन एच, वी आपने निकाल चुके, एच भी आप निकाल चुके, तो ये इंक्लाइनेशन निकल जाएगा, इसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर दिया अब इसने, ठीक है, तो ये डिग्री में आ चुका है इसकी वैल्यू। सेम आर बी पॉइंट पे भी ऐसे ही निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है। फिर बेंडिंग मोमेंट निकालना है अंडर द लोड, लोड के अंडर में, तो इसका फॉर्मूला क्या है, लिखा था आपने पिछले वीडियो में, रेडियस ऑफ आर्च इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन एट वाई सी प्लस वाई सी, बस सारी की सारी वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो आराम से कर सकते हैं ना इसको। फिर देखो आगे, वही साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली, सिमिलरली ऐसे ही साइन थीटा निकालेंगे यहाँ पे, एक्स ई अपॉन ओ एक्स, इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक है, अपने पास थीटा की। अब निकालेंगे राइज ऑफ आर्च अंडर द लोड, राइज निकालेंगे अब इसकी, उसका फॉर्मूला ये आपके सामने है, तो जो वैल्यू अपन ने कोस थीटा और कोस अल्फा की निकाली, बस वो यहाँ पे पुट करके माइनस कर दो और मल्टीप्लाई बाई आर, आर आर क्या है 15.8, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। फिर बेंडिंग मोमेंट निकालना एट एक्स पे, बस एक्स के लिए भी यही फॉर्मूला,
और कुछ नहीं है ना, ये तो इजी है। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।